देवाधिदेव महादेव का पावन मास श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। श्रावण मास की कावड़ यात्रा जगविख्यात है। पूरे देश के अंदर और खास तौर पर उत्तर भारत में इस दौरान शिव भक्त महादेव के अनुष्ठान में लीन होकर के सभी शिवालयों में जलाभिषेक के साथ अपनी असीम भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। केंद्र और राज्य शासन ने मिलकर के श्रद्धालुजनों की सुरक्षा, उनकी सुविधा, उनकी सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए अनेक प्रबंध किए हैं। कहीं कोई दिक्कत न हो, कहीं कोई अव्यवस्था न फैले, कोई भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ न करने पाए, इन सब बातों का ध्यान में रख करके प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। लेकिन हमें इस बात जरूर ध्यान में रखना होगा, मैं सभी श्रद्धालुजनों से इस बारे में विनम्र अनुरोध करूंगा, हम लोग भी शिव भक्त हैं, महादेव की असीम कृपा हम लोगों पे बनी रही है और निरंतर हम महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा सदैव बनी रहे। कोई भी पर्व और त्योहार, कोई भी साधना बिना आत्मानुशासन के पूरी नहीं होती है। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंतःकरण से बल्कि बाहरी रूप से भी उस पूरी प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए और तब यह कावड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और विश्वास की प्रतीक के रूप में बल्कि आम जन के व्यापक विश्वास की प्रतीक बनकर के उभरेगी, जैसा कि समय हम लोग देख रहे हैं माहौल कि असीम श्रद्धा भाव के साथ जनता जनार्दन, समाज के अलग अलग तबके के लोग उनकी सेवा के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है और सरकार ने भी अपने स्तर पर न केवल बेहतरीन पेट्रोलिंग के माध्यम से, स्वच्छता के माध्यम से, स्वास्थ्य की व्यवस्था के माध्यम से शिविर लगा करके भी अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं और आवश्यकता अनुसार ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी और पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी इसके लिए की है। मैं सभी शिव भक्तों से अपील करूंगा कि देवादेव महादेव की कृपा हम पर बनी रहे, हम व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस पूरी यात्रा का न केवल आनंद लें बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आत्मानुशासन का परिचय देते हुए इस पावन श्रावण मास के कावड़ यात्रा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। आप सबकी सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं।